भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। किसानों को बिना ब्याज कर्ज, छात्रों को लैपटॉप के साथ फ्री इंटरनेट देने का वादा। अयोध्या में संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाने का भी किया ऐलान। गोवा में पीएम मोदी की चुनावी रैली, कहा लोकतंत्र के जेब कतरे नहीं चाहते किसी का भी भला। पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रहा है केंद्र, पूर्ण बहुमत मिलने पर गोवा को बनाएंगे अव्वल राज्य। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घोषणा पत्र पर बसपा सुप्रीमो मायावती का पलटवार। लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला घोषणा पत्र दिया करार, कहा बीजेपी एक जातिवादी पार्टी, अगर सत्ता में आई तो खत्म कर देगी आरक्षण। हिमाचल सेक्टर में बर्फ के नीचे फंसे सभी 5 जवान निकाले गए सुरक्षित। भारी बर्फबारी की वजह से फंसे थे जवान, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। जयपुर में फिल्म पद्मावती के सेट पर हुए विवाद के बाद संजय लीला भंसाली ने शूटिंग की रद्द। करणी सेना ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ की थी मारपीट। भंसाली के समर्थन में उतरा बॉलीवुड एक सुर में की घटना की निंदा। और सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर महिला एकल के ग्रैंड स्लैम में रचा इतिहास। टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। फाइनल में बहन वीनस को 6-4, 6-4 से हराकर मेलबर्न पार्क पर 7वां खिताब जीतने का भी बनाया रिकॉर्ड।